स्वागत है आप सबका आज हमारे चैनल पे। आज हमारा 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म, वनवास खत्म, जेल खत्म, क्वारंटाइन खत्म, लॉकडाउन खत्म, सब कुछ खत्म। मास्क को छोड़ के मास्क लगाना पड़ेगा बेटी। मास्क इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जापानियों को हमसे खतरा था, अब हमें जापानियों से खतरा है। बीमारी का आदान प्रदान ना हो बेसिकली वो। तो आज हम जा रहे हैं होटल, पास्ता वगैरह खाएंगे, आज जाएंगे घूमेंगे, थोड़ा सा मोहल्ला देखूंगा मैं अपने मनीषा के मायके का, मोहल्ला देख के आऊंगा क्या है क्या नहीं है। पेडिशन ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, एक ऑटोमेटिकली पेडिशन उसको रेड लाइट को ग्रीन कर देती है, और एक ये बटन वाली होती है, हमारे घर के आगे ये बटन वाली है, तो हम इसे जब दबाएंगे तो जो रोड के लिए लाइट है वो रेड हो जाएगी और हमारे लिए ग्रीन हो जाएगी। चलिए चलिए। ये नाई की दुकान है, बार बार शॉप, ये ऐसे पोल्स लगे रहते हैं, ये सिग्निफाई करते हैं कि ये बार बार शॉप है यहाँ पे। ये क्या लेडीज का? हाँ। ये लेडीज का आ गया, वहाँ जेंट्स जाएंगे सर। ये बता लेडीज का हमेशा पिंक रंग से रिलेटेड में क्यों रहता है? चल ये तो तब भी लाल है, ये भी मतलब लाइट पिंक ही है, बट लेडीज आर ब्यूटीफुल, लेडीज आर ब्यूटीफुल। आदमी क्या मतलब बेवकूफ होते हैं, ये मेरे वर्ड नहीं है। यहाँ पे वैसे जापान में सीरियसली आसमान नीचे को लगता है, इंडिया में आप छत पे भी जाओगे ना तो आसमान ऐसे लगेगा ऊंचा है, बट यहाँ पे चांद देखना कभी रात में, मैं तो मैं रोज बोलती हूँ ये सीरियसली बहुत नीचा लगता है आसमान। तुम्हें बोलते थे ना जब हम छत पे चढ़ते थे कि आसमान बहुत ऊंचा है जापान में, बहुत नीचा लगता है, तुम कहते थे मुझे नहीं पता यार। नाउ यू कैन फील इट एंड आई लाइक इट। ये वाली जो रेड लाइट है जो पेडेस्ट्रियन वाली चलेगी, ये ऑटोमेटिक है, इसमें हमें कहीं बटन नहीं दबाना। हाँ। अपने हिसाब से टाइम कनेक्ट वो करती है जैसे इंडिया में होती। हाँ। है ये मतलब सिंपल वाली है, ये सिंपल वाली है। इधर को आप आ गए रेड लाइट क्रॉस करके, ग्रीन लगा रखी है, क्या सीढ़ियाँ नहीं है क्या? मजाक कर रहा हूँ यार, अभी याद आया छतरी लेके तो चले नहीं है, क्या होगा मैडम अगर बिक गए तो? खरीद लेंगे, कन्वीनियंस और काफ़ी है, फिर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कन्वीनियंस शॉप भी है। जापान में छतरी वगैरह बहुत इजीली मिल जाती है, 100 yen में मिल जाएगी छतरी, 100 yen में ना टैक्सी बुला लेंगे, 100 yen में मतलब 70 rupees इंडिया के, नहीं हुआ तो यहाँ से 1 kilometer जाने के 700 yen यानी कि 500 rupees करीब लग जाएंगे घर जाने के, सिर्फ 1-2 kilometer के। ये इनका स्टेशन है, हमारा स्टेशन नहीं है, हसुदा सिटी का स्टेशन है। ये क्या लगा रखी चक्री जी? ये जनरेटर दिखाने के लिए, मुझे भी नहीं पता, ये वो है ट्रेन के पहिए हैं। नहीं नहीं जो पढ़ सकता पढ़ ले, क्यों किसी का नुकसान करना। यहाँ पे ट्रेन चलती होगी ना, पुराने जमाने में मैंने पूरा नहीं पढ़ा है एक्चुअली, मैं यहाँ पे ट्रेन जिसको आए ना समझ वो कमेंट्स में बता देना, समझ तो मुझे भी आ रहा है, तेरे से नहीं पूछूंगा पर मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। यहाँ पे ग्योजा मिलते हैं, ग्योजा बेसिकली मोमोज होते हैं, जापानी मोमोज। अब ग्रीन लाइट हुई है तभी क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि चलते चलते ले भाई खाली तो पड़े हैं, चल तो उड़ा जाएगा, यहाँ वाले नहीं सोचते। 14 दिन की जेल भाई बड़ी भयंकर थी, दम घुटना शुरू हो गया था अपने ही घर में। दिक्कत ये है एक्चुअली क्या ना, जापान के घरों में ना छत नहीं होती है, तो वैसी होती है जैसे ये है ना ट्रायंगल छतें ऐसी वाली जिसके अंदर बर्फ वगैरह पानी वानी ना रुके, तो यहाँ पे आपको आउटसाइड एरिया देखने के लिए आपके पास है ही नहीं। घर में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है, और दूसरी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, छोटी सी कंट्री है, भाग के नहीं जा सकते, सब पकड़ में आ जाता भाई। तो थोड़ा सा इशू हो गया था कि आज 14 दिन बहुत मुश्किल से हो गए, आज इसीलिए तो बाहर निकले हैं, क्या भाई 14 दिन हो लिया अब तो बाहर जाएंगे, अब पक्का बार का खाएंगे।
ये कांग्रेस, ये बीजेपी के पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये पॉलिटिशियंस के पोस्टर हैं कि हमें, मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो। ये तो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी ये यहाँ से रिज़ाइन दे चुके हैं। नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं योशीहिदे सुगा, ये शिंजो आबे हैं। फाइनली साइज एरिया आ गया है, दुख मिठाने की जगह है हमारे, दुख मिठाने की। मैडम को इटालियन खाना है और इनको बहुत पसंद है। ये फ्रेंचाइजी है बेसिकली, साइज एरिया पूरे जापान में है और बहुत ही अच्छा खाना होता है इनके हिसाब से, मेरा तो फर्स्ट ट्राई है। इंस्टॉल किया अपने रेस्टोरेंट्स में शायद, इसमें आपको जो भी खाना है इसमें आप नंबर लिख देंगे, जैसे इसमें लिखा है स्पगेटी अरबियाता, तो अगर आपको नॉर्मल साइज में चाहिए तो आप लिखेंगे LC20, और आपको थोड़ा बड़ा साइज चाहिए तो LC21 यहाँ पे आप लिखेंगे, एंड इसकी कितनी क्वान्टिटी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, ऐसे करके आपको अपना मेन्यू खुद हाथों से लिख के देना है। फिर वेटर्स को बुलाना है इस बटन से, इसमें लिखा है बुतान दे कोई भी कुछ आसाई, मतलब इस बटन को आप दबाएंगे तो वेटर्स आपके पास आ जाएंगे। ये बटन है, ये बटन दबाना होता है, अभी दबाना, अभी हम सोचेंगे हमें क्या खाना है। मैं छोटा बच्चा हूँ क्या जो दबा दूंगा यार, तुम जैसे हो ना, तुम्हें भी पता है। हम अरबी आटा मंगाते हैं, ठीक है, इसके साथ तुम्हें सैलेड एंड सूप मिलेगा, एंड प्लस ज्वाइन करेंगे तो 600 में आपको ड्रिंक बार मिल जाएगा। ड्रिंक बार वहाँ पे ड्रिंक्स है, उसमें आपको चाहिए कितनी बार भी, ये हुई ना मतलब की बात। इसमें हॉट ड्रिंक भी है एंड कोल्ड ड्रिंक भी है, पर हॉट ड्रिंक नहीं है, मतलब मैं खराब है, मैंने कुछ नहीं किया। ये जापान, ये जापानियों की लेता है, इंडियन की पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, ये रेसिस्ट बटन है। साइजेरिया में ये है, अगर आपको अपनी स्पगेटी या पिज्जा में से मीट हटवाना है तो उन्हें बोल दो, वो हटा के दे देते हैं। तो मतलब वेज वालों के लिए ऑप्शन यहाँ पे है। ये ड्रिंक बार है, यहाँ से अनलिमिटेड ड्रिंक्स ले सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही ऑर्डर करा तो सिर्फ ये लेंगे, मैं वैसे ही मीठा पी लूंगी। क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, ये आइस कॉफी है, ये अच्छा होता है, सिपकरी वाइट ग्रेप। हाँ शुरू करूँ इससे? सैलड, सूप आधा पी लिया, नमक किया वैसे कुछ नहीं है, पिज़्ज़ा मार्गरिटा, अरे अभी आता वेजिटेबल पास्ता, फुल 1000 ड्रिंक बार में से ड्रिंक, उसका पानी है। मैडम की ड्रिंक बार ख़त्म नहीं हो रही है, 2 घंटे हो गए, कभी जूस पी रहे हैं, कभी आइस टी, अब कॉफ़ी ले आइए गर्म कॉफ़ी, मतलब पेट में ठंडा गर्म खाना खा लिया, तो खाना खाया इसी कह रहा हूँ, इतना खाना इतना पी रहे हम। इन्होंने सर्विस दी है, इन्होंने ये थोड़ा बोला कि तुम इन ड्रिंक्स के बाद नहीं पी सकते, उनकी सर्विस है, वो तो सर्विस यूज कर रहा है सिर्फ। चल के काली कॉफी है ना, इसमें मैंने 5 मिनट, मैं जब भी आता हूँ यही खेल खेलते हैं, बढ़िया वाला। ये बेसिकली मनीषा के लिए रेस्टोरेंट नहीं है, केमिस्ट्री लैब है, ये यहाँ पे ट्राई एक्सपेरिमेंट करने आती है मैडम। यहाँ चीनी 2 टाइप में मिलती है, एक शुगर पाउडर शुगर में और ये ऐसे लिक्विड शुगर के अंदर, जो गर्म कॉफी होती है उसमें पाउडर शुगर है, और जो ठंडी आइस कॉफी आइस की होती है उसमें ये लिक्विड शुगर जाती है, क्योंकि अगर ये डालेंगे तो ठंडी हो जाएगी ना गर्म कॉफी। कहाँ चले सर, ज्यादा ड्रिंक्स हो गई। हो गया खाना? पीना ज्यादा हो गया आज, पीना ज्यादा हो गया। एक्सपेरिमेंट लैब बना रखी है, केमिस्ट्री लैब सोच रखी थी इसको तूने, टेस्ट करने नहीं आते। हाँ टॉयलेट अभी करके आया हूँ, पीती खुद थोड़ा सा, फिर आगे सरका देगी कि ये लोग खत्म कर लो। हाँ तो मीठा पीती में तो ला क्यों रही थी बार बार। अब थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं, इसको घर के लिए कुछ सामान चाहिए, फिर बस अब इसके बाद घर जाएंगे। मनीषा ये क्या है? जाने के बाद बना है, पर यहाँ पे है कि यहाँ साइकिल वाले जाएंगे और यहाँ पे पेडिस्ट्रियन जाएंगे, मतलब फुटपाथ में भी डिवाइड कर रखा है कि अगर हम इस लाइन में जाएंगे तो गलत माना जाएगा। माना तो जाएगा, मतलब साइकिल वाला अगर आ रहा है जैसे वो अंकल सामने जा रहे हैं, वो इसी लेन पे जा रहे हैं, वो इस पे नहीं जाएंगे। अच्छा, साइकिल वालों की अगर जगह बना रखी तो अगर किसी को पेडिस्ट्रियन को जाना है तो इस लेन पे जाएगा, और अगर ऐसे है तो इस पे जाएगा, अगर ये मार्क है फुटपाथ पे तो डिवाइड कर रखा है बेसिकली। आ जा, आम आदमी पार्टी का नेता भी है भाई, ये तुम्हारे साइन है, इस साइन के ऊपर
ये साइन आपको जहाँ पे भी दिखेगा या फिर ये जमीन पे भी लिखा हुआ होता है, तो ये साइन जब भी लिखा होगा दिखेगा ना, तो आपको गाड़ी रोकनी है उस साइन के पास। अब शॉपिंग के लिए आ गए हैं, थोड़ा सा पैदल चल चल के, कहाँ बेल्क बेरुको। उनको धो के फेंकना है, बट सबको धो के फेंकना, लिखा हुआ ना, धोना है, उसमें साफ सुखाना है, फिर उसे क्रश करना है, फिर फेंकना है। एल्यूमिनियम कैन में जो जूस आते हैं पर धो के सुखा के फेंकना है, बस धो के देना है यहाँ पे। फूड ट्रेज होती हैं, तो ये लोग जलाते हैं उसको या फिर रिसाइकिल होता है, ये सारा रिसाइकिल होता है। अच्छा, जो वो छोटे वाले डिब्बों में है वो फेंकता है, और ये ना रिसाइकिल स्टेशन है। हाँ, यहाँ पे जो भी आप सामान फेंक रहे हो सारा रिसाइकल होगा, जब कूड़े में फेंक रहे हो फेंकेगा, अच्छा, जलेगा या दबेगा जो भी है, लैंडफिल बनेगा या जलाएंगे उसकी, वो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, पर ये जो है ये रिसाइकल स्टेशन है। तो अभी खाना वाना खा के थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर के लिए अब वापस जा रहे हैं। आज का दिन यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, मम्मी आएंगी तो घर का भी देखना, मनीष को और हमें, तो अभी जा रहे हैं घर वापस। यहाँ से अराउंड हाफ एन आवर की वॉक है, तो वॉक करते जाएंगे, खाना भी पच जाएगा सारा।